हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो यार, आप लोगों ने जो टाइटल देखे तो समझ ही गए होंगे क्या किसके बारे में बात होने वाली। बजने वाली नहीं है किसी की, टोटली बात करना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम दोस्तों को, भाइयों को। यार, इस बंदे पे मैंने एक और वीडियो पहले बनाई थी जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, मतलब करने वाला था, मगर इसका ये स्कैंडल सामने आ गया। ना ही मैं स्कैंडल लगाऊंगा अपनी वीडियो में, ना ही कुछ, सिर्फ कुछ बातें करूंगा कि वो एक लड़का था जो छोटा सा, इस बंदे से आईफोन मांगता हेल्प हेल्प, और ये उसे वजीर फ़कीर कहलवा रहा था लोगों से। मतलब बेहसी को इन्होंने ट्रेंड बना लिया था। खैर, वो अल्लाह है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, वो अर्श से फर्श पर फेंकते हुए ना एक सेकंड भी नहीं लगा था। और कुछ ऐसे ही इस बंदे के साथ हुआ है कि इज्जत, नाम, शोहरत, जो कुछ था ना, वो सब गया, चला गया। लड़की की इज्जत चली गई, इसकी इज्जत चली गई। अब इस पहले इसकी वीडियोस खोलो तो 1.77K लाइक्स, 1.6K लाइक्स, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज नॉर्मल वीडियो पे। और अभी ये वीडियो ना आ रहा है ना, 4,000 लाइक, 6,000 लाइक, 10,000 लाइक, 12,000 लाइक, बस सिंपल इज दैट। तो बात इतनी है नदीम मुबारक के, किसी की बेहसी गरीबी का मजाक ना बनाया जाए, तो क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है। और एक मैसेज जो अब तुम लोगों के लिए, कि जो तुम लोग उसकी वीडियो लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, उधर लगा रहे हो, तो मेरी बात याद रखना कि ये इस टाइम उस पर एक बुरा वक्त है। उसने जो किया सो किया, अल्लाह ने उससे उसका हिसाब ले लिया है। कहते हैं ना, दुनिया की दुनिया पे ख़त्म हो जाती हैं, तो वो हुई हैं, देखा है लोगों ने। तो अब इसकी वीडियो को आगे बेचने का, फॉरवर्ड करने का, लोगों को दिखाने का कोई मकसद नहीं है। ना ही किया करो, ना अपने गुनाह जो है मैं इजाफा करवाओ ऐसे काम करके। तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ जिसके पास है वीडियो डिलीट कर दी जाए। ना ही मेरा ये दोस्त है, ना ही मैं इसको जानता हूँ, बल्कि टिकटॉक वाला तो आपको पता ही हमारे चैनल पे कैसे बजती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें इनका साथ देना चाहिए, और ये वही बात है, ये वही टाइम है जब जो भी है तो पाकिस्तान का ना पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नहीं भी हो ना, इंसान तो है ना, इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है। तो यार, सबसे पहले तो मैं अपनी इन माओ बहनों से कहूँगा कि अपनी इज़्ज़त को जो है ना कभी कैमरे के सामने रखो ही ना, क्योंकि ये मर्द बड़ी कुत्ती चीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना हौसला किसी की वीडियो लीक हो जाती है ना, तो उसको यार आगे शेयर मत किया करो, उस पर पर्दा डालो। क्योंकि आज अगर तुम किसी के ऐबों पे पर्दा डालोगे ना, तो कल खुदा तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। और अगर आज तुम किसी के ऐबों को सरेआम यूँ दिखाओगे ना, तो कल अल्लाह भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही करेगा। यार, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, नदीम भाई, मैं आपके बारे में इतनी वीडियो बनाई थी, वीडियो बना आपने मुझे एक रिप्लाई भी नहीं दिया। आज मेरे लोग कहते हैं दिखावे के लिए होते हो, बस मैं आपके बारे में आप वीडियो नहीं बनाऊंगा, सॉरी, माफ कर दूं। मुंबई फाइट।